दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अरेबियन पेनिनसुला में बसे देश जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन के नेशनल एनिमल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। यमन का नेशनल एनिमल अरेबियन लेपर्ड है। अरेबियन लेपर्ड साइज में सभी लेपर्ड की प्रजातियों में सबसे छोटे होते हैं। IUCN ने अरेबियन लेपर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज की लिस्ट में रखा है। साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अरेबियन लेपर्ड की कुल आबादी अरेबियन पेनिनसुला में अब 200 से भी कम रह गई है। यमन में आखिरी बार अरेबियन लेपर्ड को साल 1990 में देखा गया था। यूएई, कतर, ओमान और बहरीन का नेशनल एनिमल अरेबियन ओरिक्स है। दोस्तों, 1970 आते आते अरेबियन ओरिक्स जंगलों से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। इसको देखते हुए साल 1972 में यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर की सरकारों ने मिलकर अरेबियन ओरिक्स को बचाने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जो काफी सफल रहे, जिसके कारण आज इनकी आबादी चिड़ियाघर और प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरिया में 6,000 से 7,000 के बीच मानी जाती है, जिनमें से लगभग 1,000 अरेबियन ओरिक्स जंगलों में रहते हैं। इन 1,000 अरेबियन ओरिक्स में से लगभग 50 ओमान में, 600 सऊदी अरेबिया में, 200 यूएई में, 100 इसराइल में और लगभग 50 अरेबियन ओरिक्स जॉर्डन के जंगली इलाकों में रहते हैं। एक वयस्क अरेबियन ओरिक्स का वजन 70 किलो तक हो सकता है, वही ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। सऊदी अरेबिया और कुवैत का नेशनल एनिमल अरेबियन कैमल है। एक वयस्क अरेबियन कैमल की लंबाई 6 से 10 फीट तक होती है, वहीं इनकी ऊंचाई इनके कंधे से 6.6 फीट तक हो सकती है। अरेबियन कैमल का वजन 600 किलो तक हो सकता है, वही ये 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज के नेशनल एनिमल के नाम। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।